हेलो दोस्तों, जे डी ग्रू में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑनग्रिड सोलर सिस्टम को ऑफग्रिड सोलर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑनग्रिड सोलर सिस्टम तभी वर्क करता है जब ये आपका घर का जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन होता है अगर वो ऑन रहता है तभी वो ऑनग्रिड सोलर सिस्टम वर्क करती है। अगर ये बिजली का कनेक्शन ऑफ रहता है तो ये ऑनग्रिड सोलर सिस्टम वर्क नहीं करती। इस टाइम पे आपको ऑफग्रिड सोलर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अगर आप मान लीजिए कि ऑनग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफग्रिड सोलर सिस्टम दोनों एक साथ लगाते हैं तो आपका बिजली का जो प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल नहीं रहता। कि आप सबको मन में ये भी सवाल होगा कि ये दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल है क्योंकि जो ऑनग्रिड और ऑफग्रिड सोलर सिस्टम आप दोनों ने लगवाया, दोनों एक कॉम्बिनेशन को एक साथ लगाया तो ये दोनों मिलाकर एक हाइब्रिड सिस्टम बन जाती है और आपका जो प्रॉब्लम आता है बिजली का वो रहता नहीं है। आप सबके मन में ये सवाल होगा कि ऑनग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफग्रिड सोलर सिस्टम का ये कॉम्बिनेशन है जो है हाइब्रिड सिस्टम, ये वर्क कैसे करता है। मैं आपको सिंपल आपके स्क्रीन पे ये एक वीडियो का चार्ट दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में ऑलरेडी ऑनग्रिड सोलर सिस्टम है और उसमें जैसे कि मान लीजिए कि लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर का बिजली का कनेक्शन ऑफ हो गया तो ये आपका घर का जो ऑनग्रिड सिस्टम है ऑफ हो जाता है। मगर आपने घर में ऑलरेडी एक बैटरी और एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया है तो आपके घर में बिजली का कनेक्शन जो है ऑफ नहीं रहता। जैसे कि ये काम कैसे करता है, जैसे कि आपके जो घर में बिजली का कनेक्शन लोकल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइडर ऑफ हो गया तो आपका जो हाइब्रिड जो इन्वर्टर है वो सेंस करेगा कि भाई आगे से लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड का जो बिजली का कनेक्शन है वो ऑफ हो गया है। तो ये हाइब्रिड जो इन्वर्टर है वो ऑनग्रिड के साथ मिलकर ये आपके घर में बिजली प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप सबके मन में ये भी सवाल होगा कि ऑनग्रिड सिस्टम कैसे काम कर सकती है लोकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड के बिजली ऑफ रहने से, तो ये ऑनग्रिड सिस्टम इन्वर्टर है वो सेंस करेगा आगे से कि बिजली का कनेक्शन ऑन है कि ऑफ है। मगर ये होगा ऑन ही क्योंकि हाइब्रिड जो इन्वर्टर है वो आगे से बिजली प्रोवाइड करता है, इसी हिसाब से पूरी ऑनग्रिड सिस्टम वर्क करती है। तो इस हिसाब से पूरी ये सिस्टम बन जाती है वो हाइब्रिड सिस्टम बन जाती है। तो इस हिसाब से आपका घर का कनेक्शन का जो बिजली होती है वो ऑन ही रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी सिस्टम ऑनग्रिड को ऑफग्रिड में कैसे कन्वर्ट करें और दोनों के कॉम्बिनेशन के जरिए कैसे हाइब्रिड सिस्टम बन जाती है। तो ये था पूरा सिस्टम का वर्क्स। और अगर मान लीजिए कि आपका लोकल इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का कनेक्शन ऑफ है और बैटरी में भी कोई भी चार्ज नहीं है, बैटरी भी वो ऑफ है, तो आपकी पूरी सिस्टम वर्क नहीं करेगी। तो बैटरी भी थोड़ी घड़ी उसका बैकअप होना चाहिए, तो इस तरह पूरी सिस्टम वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो ऑनग्रिड और ऑफग्रिड को कैसे कन्वर्ट करने का। तो शायद आपको इस हिसाब से थोड़ा आइडिया आ गया होगा। अगर इससे अलावा भी कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, मैं उसका जवाब 100% दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय।